हेलो दोस्तों, जाहुल भाई केर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये हमारे वर्कशॉप है, ये देखिए दोस्तों KTM डुक आई है हमारे पास। इसमें हम सर्विस करेंगे और थ्रोटल बॉडी करेंगे क्लीन। इसमें प्रॉब्लम भी बताएंगे भाई, प्रॉब्लम क्या थी गाड़ी में। भैया ये गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, ये मान लो स्टार्ट हो रही थी धक 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 बंद स्टार्ट हो रही थी, और इतनी ज़्यादा ये देखो भाई थ्रोटल बॉडी हमने इसकी खोल ली है भाई। देखो क्या हाल हुआ पड़ा यार अंदर से यार भाई। ये देखो भाई, भाई ऐसा मत करो करो भाई, सर्विस टाइम पर कराया करो, थ्रोटल बॉडी को क्लीन करा लिया करो 4-6 महीने में भाई। ये स्टार्ट बस चल के आ गई गाड़ी, इतनी कंडीशन बुरी हो रही थी इसकी। अब इसे फटाफट से भाई हम देखो थ्रोटल बॉडी खोलेंगे और इसके सेंसर वगैरह खोलेंगे और इसको क्लीन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी भाई। वेलकम दोस्तों, मैं राहुल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहुल बाइक केयर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपको बाइक से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमारा नंबर है। और हमारे पास दोस्तों KTM डुक आई थी 200 cc, मिसिंग इतनी ज़्यादा कर रहे थे भाई, भैया धक्के से स्टार्ट कर रहे थे गाड़ी को, लगा लो हिसाब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी गाड़ी की। तो भाई इसकी थ्रोटल बॉडी को क्लीन करेंगे हम अच्छे से और वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे थ्रोटल बॉडी में जो सेंसर होते हैं, कौन कौन से सेंसर हमें खोलने चाहिए और कौन से पैड थ्रोटल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, और थ्रोटल बॉडी को किस तरह क्लीन करें। ठीक है, बाइक स्टार्ट नहीं होती, बाइक को स्टार्ट करेंगे थ्रोटल बॉडी लगाने के बाद, फिटिंग करने के बाद, और पूरी वीडियो में दिखाएंगे थ्रोटल बॉडी किस तरह से क्लीन करी जाती है। ओके दोस्तों, वीडियो बिना देरी करे हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये थ्रोटल बॉडी है ऐसी, और इसका हमने ये देखिए ये अंदर का है पूरा सिस्टम, इसमें एल्बो वगैरह हमारी, इसको भी हम कपड़ा डाल के साफ कर लेंगे। और दोस्तों ये हमारी पोल्यूशन किट है, इससे माइलेज अच्छी देती है हमारी गाड़ी, और जो पेट्रोल वेस्ट होता है वो पेट्रोल इसमें एग्जिट होके और चला जाता है, पेट्रोल वेस्ट नहीं होता हमारा, जो पहले उड़ता था ना टंकी में से पेट्रोल वो नहीं उड़ता। ठीक है, ये देखिए कंडीशन कुछ इस तरह से है। और इसमें हम एयर फिल्टर नया डालेंगे दोस्तों, ये देखिए एयर फिल्टर की कंडीशन है भाई। भाई देखो एयर फिल्टर को नया डलवा लिया करो, इससे प्रॉब्लम पता क्या होती है, देखो इसमें डस्ट भरी हुई है, कितनी डस्ट है भरी हुई, यही डस्ट होते हुए चली जाएगी थ्रोटल बॉडी में, थ्रोटल बॉडी ख़राब हो जाएगी हमारी, क्लीन नहीं कराओगे। और जब थ्रोटल बॉडी में हमारा डस्ट जाएगा तो भाई फिर एल्बो में चली जाएगी, हेड में चला जाएगा जो हमारा डस्ट है, इस कारण हमारा इंजन जल्दी ख़राब होता है। फिर कहते हैं यार कंपनी ने इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया इंजन, कंपनी ने गारंटी दी है। भाई गारंटी ही क्या करेगी जब आप सर्विस टाइम पर नहीं कराओगे, एयर फिल्टर को आप साफ़ करवा लोगे, नया नहीं डलवाओ भाई ये चीज़। देखो सर्विस पर नहीं डलवा लिया करो, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 150-200 रुपये का आइटम है ये। एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर को हमेशा टाइम पे चेंज करवा लिया करो भाई, रिक्वेस्ट आपसे। ये देखिए दोस्तों इसके ऑयल फिल्टर की क्या हालत होगी भाई, देख रहे हो। अब ये देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ विस्तार से। यहाँ इसका ये ऑयल फिल्टर लगता है, ठीक है। अब जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी ना तो ऑयल इसमें आएगा, और जब इसमें से फिल्टर होके भाई तब हमारा हेड में चलता है वो तेल। अब हेड में अगर गंदा तेल जाएगा तो भाई कैम रोकर ख़राब होंगे, हमारा पिस्टन ख़राब होएगा, बाइक माइलेज नहीं देगी, साउंड करेगी, तो बहुत सारे नुकसान है भाई। एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर को हमेशा नया डलवा लो सर्विस पे, बिना सोचे समझे नया डलवा लो करो, ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है दोस्तों, जो छोटी मोटी अंदर की गंदगी होती है सब अपने एग्जॉस्ट कर लेता है, और फिर इसको फेंक दो, निकाल के नया डाल दो। तो ऑयल फिल्टर का डलवाना बहुत ज़रूरी है भाई, अगर इंजन की आप लाइफ चाहते हो, इंजन की लाइफ बनी रहेगी भाई, ऑयल फिल्टर हमेशा टाइम पे बदलवाओगे, ठीक है। और दोस्तों ये कूलेंट की बोतल है हमारी ऊपर, और देखो जब हम कूलेंट डालते हैं ना तो ये कैप खोल लिया करो भाई, ठीक है। इस कैप खोल के चेक कर लिया करो, कभी वक्त क्या होता है रेडिएटर में कूलेंट कम हो जाता है, जो इसका ये वाल है थर्मास्टेट वाल काम नहीं करता, तो इसको खोल के चेक कर लिया करो कि हमारे गाड़ी में कूलेंट है या नहीं है। ये ब्रेक ऑयल की डिब्बे दोस्तों, उसके लिए हमें ये पेज खोलना पड़ेगा 8 नंबर का बोल्ट, और टॉप अप करेंगे इस ब्रेक ऑयल को। ऐसी जानकारी के लिए भाई हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेलो दोस्तों, हमारे पास आई है डुक 200 सीसी भाई, इसका हम एयर फिल्टर चेंज करेंगे। ये देखो क्या कंडीशन होगी, और भाई इसके हम थोदल बॉडी को भी क्लीन करेंगे। भाई देखो क्या हालत होगी इसकी थोदल बॉडी की। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, सर्विस में थोदल बॉडी को क्लीन करा लिया करो, एक बार नहीं तो दूसरी सर्विस पर करा लिया करो, हमारे इंजन की लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए सब कुछ खोलना पड़ता है भाई, फटाफट से इसकी थोदल बॉडी को करते हैं वॉश। पूरी वॉश करने के बाद दिखाएंगे भाई कि किस तरह से साफ़ की जाती है। पूरी हमारे सारे सेंसर है भाई, ये देख लो कितना कचरा इन होगा, ये भी अच्छे से साफ करेंगे भाई। ये हमारा ऑटो चौक का काम करता है ये वाला सेंसर, और ये हमारा RPM कंट्रोल करता है जो बटरफ्लाई को चलाता है ये वाला सेंसर। ये देखिए दोस्तों थोदल बॉडी बिल्कुल हमने अच्छे से क्लीन कर दी है। ये देखो भाई अंदर से भी देखो, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, देखो पूरी नई कर दी एकदम हमने अंदर बाहर से। ये देखो भाई पूरी बढ़िया करके सफाई कर दी। अभी मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कैंसर लगाएंगे और गाड़ी को देख के स्टार्ट करेंगे फटाफट से एकदम, बहुत अच्छे से चमकाइए बढ़िया एकदम। वैसे सेंसर वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया हमने, ये देखिए अब इनको फिटिंग करते हैं और इस गाड़ी को करेंगे स्टार्ट बाइक को। ये वोल्टो को करेंगे टाइट फटाफट। भाई हमारी थोदल बॉडी बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो गई है, अब इसको बाइक में फिटिंग करके फटाफट से। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से क्लीन करा है भाई, देखो ये बिल्कुल शीशे की तरह चमकती है। अब इसको फटाफट स्टार्ट करके गाड़ी बिल्कुल आराम से बैठाएंगे इसको तसल्ली से। बैठ गई और इसकी क्लैंप को हम टाइट कर देंगे क्लैंप पे यहाँ पे, और सेंसर के सारे तार लगाएंगे। सेंसर का तार भाई गलत मत लगाना कोई सा भी हो, बोलते समय चेक कर लिया करो। वैसे तो कपलर उसी का ही होगा जो लगेगा। बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी भाई। थोदल बॉडी बैठ गई है, अब इसका फिल्टर बॉक्स फिटिंग करेंगे। तो भाई टैंक हमने लगा दिया है और चाबी को ऑन करेंगे, फिल स्विच ऑन है, करो स्टार्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बेहतरीन बिल्कुल भाई, देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई एकदम जबरदस्त। इसका बेल्ट होगा क्या? बहुत ही प्यारा साउंड, देखो अब कोई मिसिंग नहीं है भाई गाड़ी में। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की भाई बाइक में अब मिसिंग नहीं है, हैप्पी कस्टमर। और भाई ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करके दिया करो कस्टमर को भी भाई, है नहीं? तो भैया कस्टमर से मिलवाते हैं। हैप्पी भाई, स्टार्ट होगी बाइक आपकी, अच्छा काम हुआ। कहाँ से आए आप? ओके भाई, तो भैया अली गाँव से आए, बिल्कुल थोदल बॉडी क्लीन करी है भाई, स्टार्ट नहीं हो रही थी पहले, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी भाई गाड़ी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए भाई, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।